केन्द्रीय गृह प्रधान अमित शाह 27 और 28 नवेम्बरे आवशे गुजरात। 28 नवेम्बरे गांधीनगर में अमूल फीड डेरी में अमूल मिल्क पाउडर प्लांट करशे उद्घाटन। देश सौ प्रथम बुलियन एक्सचेंज गांधीनगर गिफ्ट सिटी में तैयार। पीएम मोदी करशे बुलियन एक्सचेंज लोकार्पण। 11 जानुआरी बुलियन एक्सचेंज थशे सत्तावार प्रारंभ। वाइब्रंट गुजरात समय बुलियन एक्सचेंज थशे कार्यरत। बनासकांठा में सीएम भूपेन्द्र पटेल ने धमकी आप तो महंत नो वीडियो वायरल। मुख्यप्रधान पास 10 दिवस में ₹1 करोड़ नी करी मांगणी। बटुक मुरारी बापू उर्फे महेश भगते आपी धमकी। इंचार्ज एसपी पूजा यादवे स्थानिक पुलिस तेमज एलसीबी टीम ने कामे लगाड़ी। वाइब्रंट गुजरात समिट 2022 की तैयारी भागरूपे मुख्यप्रधान भूपेन्द्र पटेल दिल्ली की मुलाकाते, जहां मुख्यप्रधाने उद्योग व्यापार जगत वरिष्ठ संचालकों और अग्रणी साथ 1-to-1 बैठक की। मुख्यमंत्री गुजरात राज्य की उद्योग व्यापार लक्षी नीतियों विषे माहितगार कर्या। सीएम भूपेन्द्र पटेले उद्योगकारों ने गुजरात में रोकाण करने आमंत्रण आप्यू। उद्योगकारों ने संबोधता भूपेन्द्र पटेले कहूं कि उद्योगों माटे गुजरात आखी दुनिया में गोल्डन कॉरिडोर। गुजराते उद्योगों माटे अनुकूल वातावरण उभू करवा घणी योजनाओं बनावी। वर्ष 2025 सुधी में गुजरात भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की राजधानी बनशे। सीएमए तमाम उद्योगपतियों ने वाइब्रंट गुजरात समिट में सामिल थवानु आमंत्रण आप्यू। मुख्यप्रधाने जणाव्यू कि गुजरात औद्योगिकरण की दृष्टिए नवी हरणफाळ भरी रहू छे, जेनो लाभ दरेक लोकोने मळशे। मुख्यप्रधान भूपेन्द्र पटेले अवाडा ग्रुपना चेरमेन विनीत मित्तल साथे योजी बैठक। चेरमेने ₹20,000 करोड़ रोकाणनी दर्शावी तैयारी। आगामी 5 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र करोड़ों थशे रोकाण। सोना चांदी पर 5% जीएसटी वधशे तो थशे विरोध। अमदावाद ज्वेलर्स एसोसिएशने वेपारीओ जीएसटी वधशे तो विरोध करशे। जीएसटी में वधारो करवामां आवशे तो वेपार उद्योग पर मोटी असर पड़शे। अमदावाद में दरियापुर में टोरेंट विभाग नू मेगा सर्च ऑपरेशन। तपास कामगिरी दरमियान पत्थरमारा की बनी घटना। तंबू चौकी नजीक नगीना पोड़ में लोकोए कर्यो पत्थरमारो। टोरेंट विभाग 14 कर्मचारी और 3 पुलिसकर्मी ने थी इजा। अमदावाद दरियापुर में गैरकायदेसर वीज जोड़ाण झड़पाता पब्लिक उश्केराई। टोड़ाए टोरेंट कर्मचारी पर पत्थरमारो कर्यो। मामलो वधु बिचकता उच्च पुलिस अधिकारी काफलो घटनास्थले। महुधाना पोरडा पासे केनाल ओवरफ्लो। मही केनाल छलकाता खेतर में घुसया पाणी। पोरडा थी बारियानी मुवाड़ी विस्तार में परिवळ्या पाणी। सिंचाई विभाग की बेदरकारी खेडूतोने भारे पड़ी। केनाल की सफाई नहीं थवाथी केनाल छलकाती होवानो खेडूतोनो आक्षेप। वडोदरा में नवसारी की युवतीना आपघात और दुष्कर्म केस में युवतीनी साइकल मळी आवी। एटलांटिक एपार्टमेंट सिक्योरिटी गार्ड महेश राठवाए संताड़ी थी साइकल। पोलीसे महेश राठवा की पूछपरछ शुरू करी। तो सिक्योरिटी गार्ड महेश राठवा घरे तपास करता कोठड़ा में छुपावेलू साइकल टायर मळी आव्यू। महेश राठवा खानगी सिक्योरिटी कंपनी क्वार्टर में रहे छे। पोलीसे आखी रात महेश राठवा की पूछपरछ करी। कोना कहेवाथी साइकल लई गयो अने संताड़ी ते दिशा में पोलीस तपास करी रही छे। नवसारी की युवती आपघात और दुष्कर्म केस में युवती जे एपार्टमेंट में रहती थी त्यां पोलीसे करी तपास। तपास में सामे आव्यू के 4 युवतीओ वच्चे घर में एक ज मोबाइल हतो। तपास माटे मोबाइल एफएसएल में मोकलायो। सूरतनी कॉफी शॉप में विद्यार्थिनी शंकास्पद मृतदेह मळवाना केस में लव जिहाद आरोप। विद्यार्थिनी परिवारे सीधा लव जिहाद आक्षेप कर्या। आ केस की तपास सूरत क्राइम ब्रांच ने सौंपाई। विधर्मी युवक हजू फरार। उमरा स्मशान खाते कराया अंतिम संस्कार। वडोदरा में कराटे शीखवा आवेली युवती की शारीरिक छेड़छाड़ करनार कराटे संचालक की धरपकड़। मकरपुरा पोलीसे युवती माता पिता की फरियाद बाद करी कार्यवाही। साबरकांठा तलोद में पुलिसकर्मी घरे दारू बनावानू कारखानू झड़पायू। पुलिसकर्मी और तेनो पुत्र घर में ज हल्की गुणवत्ता दारू बनावता था। अमदावाद पुलिस में फरज बजावता पुलिसकर्मी की पुत्र साथे धरपकड़। जूनागढ़ लक्ष्मीनगर आल्फा स्कूल पास रखड़ता ढोरों वध्यो त्रास। एक दिवस में गाये 5 लोगों ने इजाग्रस्त कराया। इजाग्रस्तों ने हॉस्पिटल में खसेड़ाया। समग्र घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद। मनपा में अनेकवार रजूआत छता हजू कोई कामगिरी नहीं थी। वडाप्रधाने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास कर्यो। आ प्रसंगे मोदीए कहूं जेवर एयरपोर्ट यूपी की तस्वीर बदलशे। विश्वना चौथा सौथी विशाळ जेवर एयरपोर्ट बनावा 29,000 करोड़ खर्च थशे। जेवर अने आसपासना गामना 1 लाख लोकोने रोजगारी मळशे।
जेवर एरपोर्ट दुनिया चौथु सौथी मोटू एरपोर्ट बनवा जई रह्यु छे। योगी सरकारे आ एरपोर्ट माटे 5,845 हेक्टर की जमीन फाड़ी छे। 2024 सुधी में एरपोर्ट ना पहला चरण की तैयारी थी जशे। पश्चिम बंगाळना मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी साथे मुलाकात बाद बीजेपीना सांसद सुब्रमण्यम स्वामीना बदलाया तेवर। सुब्रमण्यम स्वामीए केन्द्र सरकार पर प्रहार कर्या के मोदी सरकार दरेक मुद्दे निष्फळ रही। देशनी इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेशी नीति, आंतरिक सुरक्षा सहित अफगानिस्तान मुद्दे मोदी सरकार ने निष्फळ गणाव्या। एनसीपी नेता नवाब मलिके समीर वानखेड़ेना परिवार पर वधु एक आक्षेप कर्यो। समीर वानखेड़ेनी माता जाहिदाना मौत बाद बे सर्टिफिकेट बनावामां आव्या होवानो कर्यो आक्षेप। नवाब मलिके बन्ने सर्टिफिकेट जाहिर कर्या। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्टनो आदेश। समीर वानखेड़ेना परिवार विरुद्ध कोईपण निवेदनबाजी के आक्षेपो नहीं करी शके। वीज क्षेत्र केन्द्र सरकार सौथी मोटो फेरफार करवा जई रही छे। हवे सरकार वीज कंपनीओ ने सबसिडी नहीं आपे परंतु सीधी ग्राहकोना खातामां ट्रांसफर करशे। सरकार फक्त जरूरियातमंदोनी सबसिडी चालू राखशे। आ निर्णय 29 नवेम्बर थी शुरू थनारा संसदना शियाळु सत्रमां रजू कराशे। मुंबईना पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंहनो अत्यार सुधीनो सौथी मोटो आरोप। रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठाणे कहूं परमवीर सिंहे मुंबई हुमलाना दोषित आमिर अजमल कसाब ने मदद करी। दिल्ली विधानसभानी शांति और सद्भाव समिति अभिनेत्री कंगना रनौत ने समन्स पाठव्यु। 6 डिसेम्बरे समिति सामे हाजर थवा माटे आदेश। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने धमकी मळवाना केस में खुलासो। धमकी भरेलो मेल पाकिस्तान थी मोकलायो होवानुं आव्युं सामे। राज्यभर में 26 नवेम्बर थी भाजपनी शुरू थशे संविधान गौरव यात्रा। अरवली जिल्ला थी मुख्यप्रधान यात्रानो करावशे प्रारंभ। 6 डिसेम्बरे सीआर पाटिल वडनगर में करशे समापन। म्युनिसिपल फाइनांस बोर्ड की राजकोट जोन की 30 नगरपालिकाओं की योजाई समीक्षा बैठक। वार्षिक 300 करोड़ ग्रांट आयोजन अंगे फाळवणी मुद्दे कराई चर्चा। आगामी दिवसों में 1500 गामों समरस थशे तेवा पंचायत प्रधान विजेश मिर्जा दावो। कहूं गाम समरस बने तो विकास वधशे। राज्यसभा सांसद राम मोकरिया एम्स की मुलाकाते। परापीपड़िया खाते तैयार थी रही है एम्स, काम जल्दी पूर्ण करवा ताकीद। राज्य में कोरोना नियंत्रण की गाइडलाइन में मळशे छूटछाट। लग्न सामाजिक प्रसंगों में 600-800 मेहमानों की हाजरी ने मंजूरी मिली शके छे। अन्य राज्य में कोरोना की मृत्यु पामेला गुजराती लोकोना परिवार ने पण मळशे सहाय। सहाय माटे को मोर्बिड नहीं जोवाय। कोईपण दर्दी ने कोविड साथे अन्य रोग हशे तो 30 दिवस होस्पिटलाइजेशन दरमियान मौत थशे तो सहाय मळशे।